शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। माँ कसम, अपुन अपना अखा लाइफ में तरवे ने देखा। भिड़ू, देखना तो दूर की बात, अपुन ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था इतने पैसे देखने को मिलेंगे। पर इतने रुपयों का करेंगे क्या? आपस में बांट लेंगे। चुप रहो, तुम लोगों को अपनी पड़ी है। मुझे तो उन लोगों की लाशें नजर आ रही हैं। अगर रॉकी को पैसा नहीं मिला तो उन लोगों को जान से मार डालेगा। उन लोगों को कुछ नहीं होगा, सारे पैसे कमिश्नर के पास जाएंगे। कमिश्नर के पास? और वो पूछेंगे तो क्या कहोगे? पूछेगा जरूर, मगर मुझसे नहीं, रॉकी से। Not again! Show 1773! What are you up to? Come out! ये दूसरी बार तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, अब तुम बच नहीं सकते, समझे ना? You are under arrest! Come out! Oh, shit! This is too much! मुझे गिरा के भागते! Stop! झूठ बोलते हो तुम तीनों। मेरे मुंह पर मुझे झूठा साबित करके तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने तुमसे पैसे लिए? Yes, Mr. Rocky. हमने अपने हाथों से नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस आपको दिया। Oh, just shut up! तुम्हारे हिसाब से मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं पागल हूं। मैं ये क्यों नहीं कहते हो कि तुम तीनों की नीयत में खोट आ गई? नीयत में खोट आती तो पहले आती जी, अब भला क्यों आएगी? Come on! ये रहा अरेस्टर। वेट, क्या जुर्म मेरा? जुर्म? इतना बड़ा जुर्म करके पूछते हो कि मेरा जुर्म क्या है? तुमने दो बार मेरी गाड़ी को टक्कर मारकर मुझे जान से मारने की कोशिश की है। कोशिश? हाँ। कब कोशिश की? अभी आधा घंटा पहले। आधा घंटा? हाँ। पिछले दो घंटे से मैं यहाँ मौजूद हूँ। शराब, तुमने एक पुलिस कमिश्नर को मारने की कोशिश की है, अब तुम बच नहीं सकते, क्योंकि इस बात का गवाह मैं खुद हूँ। कमिश्नर साहब, ये सच है, मिस्टर रॉकी दो घंटे से हमारे साथ ही है। अच्छा, तो तू भी इसके साथ है? ध्यान रखना, मैं तुझे भी उठा के अंदर कर दूंगा। कमिश्नर साहब, आप तो जानते हैं मैं शहर का नामी वकील हूँ। मिस्टर रॉकी करीब दो घंटे से हमारे साथ प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मिस्टर सक्सेना, मैं आपकी बात को झुठला नहीं सकता, मगर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अपनी आंखों से मैंने इसे देखा है, इसके साथ हाथापाई हुई है मेरी, इसने अपने हाथों से ये नोटों भरा बैग मुझे खींच कर मारा है। ये कैसे हो सकता है? अरे यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है। अभी तक शहर में एक नंबर की दो गाड़ियां चल रही थी, अब एक ही शक्ल के दो आदमी भी पैदा हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि शहर में तुम्हारी शक्ल का एक दूसरा आदमी भी है जो ये सब कर रहा है। मिस्टर डॉक्टर, अगले 24 घंटों में आप अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि उन 24 घंटों में उस दूसरे आदमी को मैं गिरफ्तार करने वाला हूं। Come on! मिस्टर रॉकी, ये वही ब्रीफकेस था जो मैंने अपने हाथों से आपको दिया था। मुझे नहीं, मेरे हमशक्ल को दिया था। वो है कौन? कहां है इस वक्त? वाओ, डायमंड नेकलेस बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है ना, मगर तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। ये खूबसूरत तब बनेगा जब तुम इसे पहनोगी। पहनाओ ना डार्लिंग। सोनिया, इसे हम तब पहनाएंगे जब हम तुमसे शादी करेंगे। शादी? आई लव यू डार्लिंग। आई लव यू डियर। जाओ, इसे लॉकर में रख दो, हम ड्रिंक बना के लाते हैं। जल्दी निकल, कहाँ गया? एक दो तीन चार, खुल जा जल्दी खुल। राजा आज इनका सारा माल खा जा। सोनिया, आप तुम कोई अच्छा दिन फिक्स कर लो, हम तुमसे उसी दिन शादी करेंगे। अब तुम्हारा रॉकी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।
सोनिया, 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 उठो, कौन आया था यहाँ? कौन आया था यहाँ? कौन आया था? तुम ही तो आए थे। मैं आया था। और ये लॉकर किसने खाली किया? लॉकर? हाँ, तुमने नेकलेस दिया था लॉकर में रखने के लिए, उसके बाद मैंने लॉकर बंद कर दिया। मैंने दिया था? हाँ, फिर शराब पिलाई, उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद। वो हरामज़ादा यहाँ भी पहुंच गया। लीजिए बहन जी। ये लो भाई, टमाटर ले लो। राजा, अरे राजा, क्यों रे नालायक, पैसे वालों के कपड़े पहनकर और कीमती चश्मा लगाकर अपने आप को सचमुच का करोड़पति समझ रहा है तू? यहाँ तक कि अपने गरीब माँ को नहीं पहचान रहा है? हाँ, कहीं ये राजा की माता नहीं? ये तो हंस क्यों रहा है? अच्छा बेटे, हंस ले, तू भी मुझ पर हंस। अरे माँ, अरे माँ, मैं तो एक्टिंग कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था। क्या है ये? तू एक्टिंग कर रहा था? और क्या, ये किराए के कपड़े, ये चश्मा पहन के ये देख रहा था कि मैं करोड़पति कैसा लगूंगा। अरे बेटे, तो करोड़पति बने चाहे राष्ट्रपति, रहेगा तो मेरा बेटा ही। वैसे तू था कहाँ? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, देख तू नहीं था ना, मुझे कितना वजन ढोना पड़ रहा है। माँ बस यूँ समझ ले कि आज के बाद बोझ उठाने का वक्त खत्म हो गया। बस दुआ कर कि तेरा बेटा करोड़पति हो जाए। ओहो, अब तुझे ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखना बंद कर और चल सीधे तेरा घर। चल घर। आगे आगे आप चलेंगे, पीछे पीछे मैं चलूंगा। मेरी इतनी मजाल की मैं आपके बराबर चलूं। चलिए चलो। अरे हाँ हाँ माँ, तेरे जाते ही विजय प्रकाश जी का आदमी घर पर आया था। विजय प्रकाश जी का आदमी? हाँ, पूजा के पिता। अब ये मत बोल तू पूजा को ही नहीं जानता। अरे माँ, बहुत जल्दी काम होगा तभी तुझे उसने घर पे बुलाया। माँ एक काम करो, आप घर जाओ, मैं जरा विद्या प्रकाश जी से मिल के आता हूँ। जरा जल्दी आना। विद्या प्रकाश। We'll be right back.